अगर स्पोर्ट्स का खेल दरअसल दुनिया के किसी भी कोने में हो, खेल के दीवाने वहां पर जुटी जाते हैं और ऐसी कुछ उम्मीद इस बार भारत को भी लेकर है। अक्टूबर में लगने वाले इस स्पोर्ट्स मेले में आने के लिए देश और दुनिया भर के तमाम सैलानी अभी से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। ये मोटर स्पोर्ट्स का महाकुंभ माना जाता है और ये है विश्व के कोने कोने से आए रफ्तार के दीवाने, F1 रेस के पुजारी। ये सब कुछ भूलकर रफ्तार और मस्ती के खुमार में डूब जाते हैं। ये मेला दुनिया के कई शहरों में हर साल कई बार लगता है। जल्द ही इस मेले का जादू भारत में भी सर चढ़कर बोलने वाला है। एक तरफ ताजमहल को देखने की चाह और दूसरी तरफ मोटर स्पोर्ट्स के सितारों को भारत की जमीन पर पहली बार कारें दौड़ाते देखने का जुनून, ये देश विदेश के सैलानियों को भारत की तरफ खींच रहा है। I have seen a lot of drivers, for example, in my experience in Malaysia or in Singapore, and it is really attract a lot of drivers. There are some who are traveling everywhere where the Formula One is, but I think it will get additional tourists to come to India and to enjoy the racing here. 1,20,000 लोगों की capacity का हमारा पूरा circuit है, जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि 15,000 से 20,000 लोग जरूर foreigners आएंगे। ट्रैक पर दौड़ती एक सीटर कारों को नजर भर देखने की चाह में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इसमें लगभग 25,000 से 30,000 विदेशी पर्यटक होंगे। जिन देशों से भारी तादाद में सैलानी आने की योजना बना रहे हैं उनमें स्पेन, मलेशिया, इटली, सिंगापुर, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसी के चलते ट्रेवल एजेंट के पास सैलानियों के फोन कॉल्स और ईमेल का तांता लग गया है। रेस और होटल में ठहरने की जानकारी के अलावा सैलानी घूमने फिरने की जगहों के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। 2012 में हम 18-20% इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर फार्मूला वन के आने से मुझे लगता है कि 20% इंक्रीज की जगह 40-45% इंक्रीज होगा। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होने वाली ये दौड़ भारत को स्पोर्ट्स टूरिज्म हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। नोएडा में मोटर स्पोर्ट्स के महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इंतजार है तो सिर्फ उन रफ्तार के प्रेमियों का जो यहां आकर मस्ती और जोश का रंग घोलेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस।